हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप एक SBI कस्टमर हैं तो कभी भी आपके पास इस तरह का कॉल आ सकता है जो फ़ोन के उस पार जो व्यक्ति फ़ोन पे रहेगा वो आपको कहेगा कि मैं SBI कस्टमर केयर में बता रहा हूं, आपका अकाउंट में ये प्रॉब्लम हो चुका है या आपका अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है या आपका अकाउंट का KYC एक्सपायर हो गया। तो उस टाइम में आपसे पूछा जाएगा कुछ आपका अकाउंट का पर्सनल डिटेल्स। अगर आप वो डिटेल्स दे देते हैं तो तभी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो SBI खुद इसके बारे में ट्विटर में कहा है कि कोई भी इस तरह का कॉल करे आपको कि बताया जाए कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, तो आप कभी भी कोई भी डिटेल्स उनको मत दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं फुल डिस्कस करने वाला हूँ SBI डुप्लीकेट कस्टमर केयर के बारे में। कस्टमर केयर का जो नंबर है वो नंबर में थोड़ा सा बदलाव करके आपके पास जब कॉल आएगा, आप देखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर केयर नंबर है उनमें से थोड़ा ही कुछ मैच इसमें हो जाता है, और उस टाइम में आप सोचते हैं कि SBI कस्टमर केयर से ही हमको फ़ोन किया है शायद। और आपने अगर अपना बैंक का कोई भी डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स अगर आप दे देते हैं तो उसी टाइम में आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कस करूंगा आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डुप्लीकेट कस्टमर केयर के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोगों को लाता हूं जो आपका काम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कस्टमर को कभी फ़ोन नहीं करता है। अगर आपको कोई जानकारी देना होता है आपके पास डायरेक्ट, तो आपको वो मैसेज करता है। कभी भी आप क्या ऐसा देखें कि आपका अकाउंट में कुछ पैसा ऐड हुआ है, उस समय में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल करके आपको बता रहा है कि आपने आपका अकाउंट में इतना पैसा ऐड हुआ है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास मैसेज आता है कि आपका अकाउंट में इतना रुपए क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है। तो जब भी आपका अकाउंट से कोई पैसा काटा जाता है कि उस समय कोई कॉल आता है आपके पास कि आपका अकाउंट से इतना पैसा काटा जा रहा है, तो कभी भी इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको देना होता है डायरेक्ट, तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है डायरेक्ट उसमें SMS किया जाता है, ना कॉल किया जाता है। तो SBI का कहना है कि कोई भी कस्टमर को कभी भी वो किसी भी समस्या में कोई कॉल नहीं करता है, मैसेज कर देता है बट कॉल नहीं करता। इस तरह का कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको सावधान होना होगा कि क्या बोल रहा है। जो फ़ोन के उस पार से आपको बताया जा रहा है कि मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पहले आप डरिए मत, आपका अकाउंट कभी भी कुछ नहीं होगा। जब आपका अकाउंट है आपको डरने का बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी हो तो आप ब्रांच में जाके रेडी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपको फ़ोन से कोई दूसरा बंदा ऐसा बता रहा है कि आपका अकाउंट का ये ब्लॉक हो गया है या KYC एक्सपायर हो गया है, तो आप वो ब्रांच में जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप फ़ोन में कुछ डिटेल्स दे दीजिएगा वो वहाँ से कर देगा, ऐसा तो कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर कस्टमर केयर में भी आप डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय में भी ऐसा बताया गया है, ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट है कि आप अपना बैंक का जो डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड का डिटेल्स भी मत दीजिए, पिन वगैरह मत बोलिए या CV भी मत बोलिए। तो कभी भी फ़ोन में किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहिए कि आपका अकाउंट का पर्सनल कुछ डिटेल्स देना नहीं चाहिए, बट आप क्यों दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको, आप जो डर जा रहे हैं ये डरने से नहीं होगा, पहले आपको सुनना होगा कि दूसरा बंदा क्या बता रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका अकाउंट में इस तरह का बता रहा है। तो समय में जो कुछ भी बोल रहा है उस बात को फ़ोन कट दीजिए। कटने के बाद आपको ऑफिशियल नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप नंबर ले सकते हैं। नंबर लेके आप डायरेक्ट कस्टमर केयर में पूछ सकते, तो आप डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर में बता सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने पूरा डिटेल से उनको बता दे आपका अकाउंट का, ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो सावधान होना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए एक ट्वीट जारी किया था जिसमें ये कहा जा रहा है कि कभी भी कस्टमर फर्जी कस्टमर केयर में केयर से अगर कोई भी कॉल आता है तो उस कॉल को आप अवॉइड करें, उस कॉल को रिसीव ना करें, बात करें तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे और सावधान हो जाइए। कुछ इस तरह का नंबर बनाया जा रहा है, जो एक बंगाली न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नंबर है
जो फोन नंबर है उसी नंबर में थोड़ा सा अदल बदल करके कॉल किया जा रहा है काफ़ी सारा कस्टमर को, इस तरह का भी हो सकता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो कॉल को अटेंड मत करिए। अगर कॉल रिसीव भी कर लिए हैं तो आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका अकाउंट का पर्सनल डिटेल्स उन लोगों के साथ शेयर मत करिए। आपके साथ स्कैम हो सकता है, स्कैम कॉल हो सकता है। तो चलिए सब एक साथ मिल के ये जो फिशिंग अटैक है इसको फिशिंग अटैक कहा, इस तरह का जो कॉल आता है इसको फिशिंग अटैक कहा जाता है। तो चलिए सब एक साथ मिलके इस फिशिंग अटैक के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। इस तरह का कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है तो उसी टाइम में आप कॉल को अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो शेयर करके भी आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फिशिंग अटैक किसी के साथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइए। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली अपलोड लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम आर ट्रेडिंग वीडियो।